हरियाणा के यमुनानगर में कस्बा बुढ़िया में दसवीं के छात्र को स्कूल के बाहर बुरी तरह से मारपीट करने के मामले में बुधवार को परिजन भड़क गए। आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने पर लोगों जिनमें महिलाएं भी ने थाना बुढ़िया का घेराव किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान यमुनानगर रोड को भी जाम कर दिया। घायल छात्र सुहेल के चाचा सहनवाज खान ने बताया कि हमलावरों ने छात्र के हाथ पांव तोड़ दिए हैं। उसकी हालत गंभीर है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर चुकी है लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। छात्र की हालत गंभीर है और वह अस्पताल में दाखिल है। छात्र के अभी पुलिस में बयान दर्ज नहीं हुए हैं। परिजनों का कहना है कि एक बड़ी साजिश के तहत सुहेल पर हमला हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बुढ़िया यमुनानगर रोड जाम की सूचना मिलते ही डीएसपी राजीव मौके पर पहुंचे। उन्होंने गुस्साए परिजनों से बात की। इस दौरान लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीएसपी ने लोगों को शांत कराकर रोड जाम खुलवाया। डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने हमलावरों की कार को बरामद कर लिया है। पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। घायल छात्र के बयान दर्ज नहीं हुए हैं और इस वजह से झगड़े की असली वजह सामने नहीं आई है। बुढ़िया थाना, बुढ़िया थाना। और रही बात होती है ना कि अगर वो मेरे सामने बैठे हैं तो नहीं पकड़ रहे फिर तो गलत बात है। और रही बात है तो भाग रहे पुलिस के तो डर होगा, हर डर तो किसी नहीं है, पुलिस के तो डर है। हर रही बात पकड़ने की जिम्मेवारी हमारी है। एक मारपीट का इंसिडेंट सामने आया है, उसमें FIR नंबर 276/22 थाना बुढ़िया में दर्ज है। इसमें आज परिवार वाले मिले हैं। परिवार वालों के दो तीन इसमें जो तफ्तीश से संबंधित इश्यूज थे, जैसे एक तो मेडिकल ओपिनियन और एक इसमें जो आरोपी हैं वो फरार हैं। इस संबंध में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये FIR इसमें और उसी दिन रजिस्टर हो गई थी, तब से लगातार थाना बुढ़िया की एक टीम है और CA2 को स्पेशली हमने इस काम के लिए डेडिकेट किया था कि वो भी लगातार रेड कर रही है।